नमस्कार आराधनास किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मु आराधना आज आपण सहित ओडिशा होटल स्टाइल रो मटर तरकारी बा घुकुनी रो रेसिपी शेयर करी। होटल बा मार्केट रो घुकुनी आम समस्त पसंद किंतु से माने कौन सिक्रेट इनग्रीडियंट एथरे ऐड करछंती आज आम ए भिडियो रु जानिबा। आपण भिडियो टुक एंड पर्यंत देखंतु। जदि आपको रेसीपी भल लगे तेबे आपण आकु निज फ्रेंड बा फैमिली मेम्बर को सहित शेयर करनियंतु। ता सहित भिडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। चलो तो मैंने स्टार्ट करिबा। एठी मु गोटे कप धला मटर को राति सारा बतुरिया छाड़ दे थी आपण देखिपे यहाँ भलि बतुरी जाए। गोटे टिप्स दे दूची बेले बेले कौन हुए ना आम बाहर मटर नहीं आसो जोटा को सीझेले भलि सीझे आ बहुत सारा सीटी देवा पड़े। आपड़ जदि सेमती मटर नहीं आबे आपण कौन करेंगे ना से मटर को जोबले बतुरा हाफ टी स्पून हम खाइबा सोडा पकई बतुरी दिंतु। जेतेबेळे मटर भलरे बतुरी जिवो तापरे आपण सोडा पानीटा को फोपाड़ दिंतु। भल पानी रे आकु धोई दिंतु तापरे आपण मटर सिझंतु। देखिए मटर बहुत जल्दी सिझी जिवो। एबे मु आकु प्रेशर कुकर को शिफ्ट कर दउची। मु एठी प्रेशर कुकर को शिफ्ट कर दैची। नेक्स्ट आमे एथरे आलू ऐड कर देबा। मु दुटा मीडियम साइज आलू को एमतिका क्यूब साइज रा काटिके ऐड कर नउची। तापरे आमे एथरे आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर देबा। मटर आउ आलू बुड़ीला भाया आम पानी ऐड करिबा। नेक्स्ट आम ए स्वाद अनुसार लुण पकईदे। मुझे गोटे टी स्पून लुण ऐड कर हाफ टी स्पून हलदी गुंड ऐड करदे। एवं आम प्रेसर कुकर कभर बंद करके आपको गैस बसईदे। ये मुझे प्रेसर कुकर को गैस बसईदी। एवं आम मीडियम फ्लेम तीन चार्टा हुईसिल आसपापी छाड़दे। बेले बेले आपण मटर उपर भी डिपेंड करे जी एटा केतरा हुईसिल खाइब। ता सहित जदि आपण को गोटा गोटा मटर पसंद ताले आपण कम हुईसिल दियंतु। जदि आपण टिके मिली गला भले मटर पसंद ताले आपण अधिक हुईसिल दियंतु। सब तक हुईसिल आसला परे पूरा प्रेशर गला परे जे कि आमे प्रेशर कुकर रो कवर खोलिबा। से भितरे आमे तरकारी रो मसला बनाई देबा। तेणु आमे नेक्स्ट स्टेप को जीवा। मुझे गोटे कड़े को गरम हाँपी रखी। कड़े भलि गरम होगापर आम ए दुटा टेबुल स्पून तेल ऐड करदे। तेल भलि गरम होगले हाफ टी स्पून जीरा पकईदे। जीरा भलि फुटी आसले दी खंड हम डालचीन पकईदे। ता सहित मुझे दुटा शुखला लंका ऐड कर गोटे तेजपत्र को छिंडे ऐड करदे। तापर आम ए गोटे मीडियम साइज रो प्याज पकईकी प्याज हल्का सॉफ्ट होला पर्यंत प्याज को फ्राई करिबा। प्याज भलरे सॉफ्ट होगला परे आम ए दुई रु तीन टा कंचा लंका को काटिके ऐड करदबा। ता सहित हाफ टेबल स्पून अदा रसुण पेस्ट ऐड करदबा। जस्ट दुई मिनिट पाई टिके एपट सपट कर नबा। नेक्स्ट आम ए हाफ टी स्पून हम हलदी गुंड आ गोटे टी स्पून हम लंका गुंड ऐड करदे। जेहेतु आम कंचा लंका ऐड करचे तेणु भल कलर आसवापी ता सहित राग कम होगापी मुझे काश्मीरी चिल्ली यूज कर। गोटे मीडियम साइज रो टमाट को काटिके ऐड करदे। मुझे हाफ टी स्पून हम चीनी ऐड करपर आम सब को भलि मिक्स करदे। आ टमाट मेल्ट होगा पर्यंत आम टमाट को फ्राए करवा। तो टमाट मेल्ट होगा भितर मसला कषि जा। तो टमाट टे जल्दी सीझापी आम ए स्वाद अनुसार लुण पकईदे। मटर सीझार आम लुण पकईचे तेणु आप देखिए ये लुण आड करेंगे। टमाट भलि मेल्ट मसला कषि होगा पर्यंत आम वेट करवा। टमाटो ये मेल्ट मसला भलि कषिगला। नेक्स्ट आम ए दुटा टी स्पून करी पाउडर ऐड करदे। ता सहित गोटे टेबुल स्पून बेसन ऐड करदे। यहाँ हूँ सिक्रेट इनग्रीडियंट होटेल मानक बेसन ऐड करने द्वारा आर टेस्ट तो बहुत भल आसी था। सहित
ଝୋଳଟା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କମ୍ ମସଲା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୋଳଟା ମୋଟା ଲାଗିବ, ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ବେସନକୁ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା, ଯେମିତିକି ବେସନର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ମସଲାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବି। ମସଲା ଏଠି ଭଲରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବେସନର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଯେତିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକା ବି ମଟର ତରକାରୀ ରହିଲା ମାନେ ଟିକେ ବସିଯାଏ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସନ ଆଡ୍ କରୁଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବି ମୋଟା ହେଇଯିବ, ତ ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବନଉଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଆଉ କରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଇଡ଼ଲି ବରା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ପାଣି ଓ ଲୁଣ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେବ ଗରମ ମସଲା ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକେଇ ପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଆକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ନିଜେ ବନେଇକି ବାହାର ମସଲା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ଆମର ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି କେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଆକୁ ପୁରୀ ବରା ଇଡ଼ଲି ପିଆଜି କାହା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।